दोस्तों हम आज आपको दिखाएंगे सीक वाला झाड़ू कि सीक वाला झाड़ू कैसे बनता है। वैसे मैं नारियल के बाग के पास में ही रहता हूँ, यहाँ पे लोग सीक वाला झाड़ू बनाते हैं, तो मैंने देखा एक सीक वाली झाड़ू कैसे बनती है। सेम वही प्रोसेस से मैं बताऊंगा आपको कि सीक वाला झाड़ू कैसे बनता है। उसके लिए ये देखिए, मैं नारियल का एक पत्ता ले लिया हूँ, इतना बड़ा बड़ा एक पत्ता होता है नारियल का, तो एक पत्ता मैं ले लिया हूँ और सीक वाला झाड़ू बनाऊंगा। सीक वाला झाड़ू दो टाइप के होते हैं, ब्रांड एक ही होता है लेकिन दो टाइप के होते हैं। उसमें जो है एक जो है सीक वाला झाड़ू ज्यादा चलता है और एक कम चलता है, और उसमें एक की लाइफ ज्यादा होती है। तो दो टाइप का हम झाड़ू बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आ जाओ भाई, एक लोग हेल्प कराने के लिए हमारा ये है दोस्तों, तो पास में कैमरा ले आइए, हम दिखाते हैं करना क्या है सीक वाला झाड़ू के लिए। तो ये पत्ता हम उठाते हैं दोस्तों, और इसमें देखिए एक सीक दिखाई दे रही है, ये इसी सीक को बाहर निकालना होता है। रुको भाई, आप रुको जरा। तो इस सीक को जो है चाकू मार के हम अलग करेंगे, चाकू से ऐसे अलग कर लेंगे। अगर जो हरा है तो चाकू मारना पड़ेगा, लेकिन सूख गया है तो हाथ से ही आराम से ऐसे हो जाता है, चाकू की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सीक को हम किनारे निकालेंगे ऐसे खींच के, ये देखिए सीक आ गया बाहर। ऐसे ही सभी का हम बना लेते हैं। तो एक तो ये हम झाड़ू बना रहे हैं, एक पत्ता बगल में है, उधर दिखाइए कैमरा ले जा करके। हाँ ये देखिए, ये है अपने जगमोहन भाई और उमेश जी, और ये लोग इधर झाड़ू बना रहे हैं। हम लोग जल्दी से झाड़ू बनाए, हमने सोचा कि वीडियो भी बन जाएगा और हमें झाड़ू की जरूरत भी, तो चलिए हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारा सीक एक झाड़ू के लिए हो गया तैयार। तो इसको जो है तार से, मतलब लोहे वाला तार जो होता है उससे इसको बांध दिया जाता है, लेकिन हमारे पास तार नहीं है, एक चिरकुट मिला है, तो इसी से जो है इसको हम बढ़िया से बांध देंगे। लीजिए ये हमारा झाड़ू तैयार हो गया। लेकिन ये जो देख रहे हैं, ये मार्केट में जो है इस टाइप का जो झाड़ू नहीं होता है, वो जो है क्या करते हैं बांध के यहाँ से काट देते हैं लोग, वो देखने में सुंदर लगने लगता है और मार्केट में कस्टमर उसी चीज को पसंद भी करते हैं। मतलब इस टाइप का अगर झाड़ू मार्केट में भेज दिया जाए तो कस्टमर पसंद नहीं करेंगे, लेकिन बढ़िया यही होता है, इसका जो है लाइफ थोड़ा ज्यादा होता है। क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना, ये आपस में उलझ गया है, इसकी सीक जल्दी से बाहर नहीं निकलेगी। वो जो चिकना होता है, काट दिया जाता है, बड़ा आसानी से सीक निकल जाता है, लेकिन मजबूरी होती है जो झाड़ू बनाते हैं, क्योंकि पसंद वही किया जाता है जो यहाँ से चिकना होता है। तो इसको बनाने के बाद यहाँ से काट दिया जाता है, या पहले ही यहाँ से काट के चिकना कर दिया जाता है, ये नहीं लगाया। यही रहा दोस्तों हमारा झाड़ू का प्रोसेस।